नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल सरकार देगी कूपन, 10,000 मेधावी ले सकेंगे पसंद का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,000 मेधावी इस बार अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकेंगे। 10वीं 12वीं और कॉलेजों के मेधावियों को पुरस्कृत करने की योजना में राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। चयनित दुकानों से 15,000 से 18,000 रुपए तक के पसंदीदा गैजेट लेने को मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। कौन कौन से गैजेट योजना में शामिल होंगे इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय विचार कर रहा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से गैजेट्स की कॉन्फ़िगरेशन तय करवाई जाएगी। योजना के तहत टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड और किंडल देने का अभी प्रारंभिक स्तर पर विचार चल रहा है। 1 माह के भीतर योजना तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के नतीजों में अव्वल रहने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा तक और कॉलेजों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के 10,000 विद्यार्थियों को सरकार हर साल पुरस्कृत करती है। वर्ष 2007 में तत्कालीन धूमल सरकार के समय में लैपटॉप देने के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। 2012 में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या का दायरा इस योजना में बढ़ाया। 2017 में जयराम सरकार योजना को बंद करने और जारी रखने की पसोपेश में फंसी रही। बाद में सरकार ने योजना जारी करते हुए लैपटॉप दिए, बाद में टैबलेट दिए। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में 50% तक की छूट, ऑक्यूपेंसी 69 से घटकर 35%। मॉनसून में उमस भरी गर्मी से निजात दिलवाने के लिए सैलानों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई है। समर सीजन के बाद जुलाई माह में ठप पड़े होटल कारोबारियों को पट्टे पलाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 20 से 40% छूट देने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी के निजी होटलों में भी पर्यटकों को ठहरने के लिए 50% छूट तक ऑफर दे रहे हैं। इसके साथ में टूर पैकेज पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने में निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी 69 से घटकर 35% रह गई है। इसके अलावा निजी होटलों में 35 से 40% ऑक्यूपेंसी चल रही है। मंडी में मूसलाधार बारिश के कारण नाले में आ गई बाढ़, मलबे में दब गई कार और बाइकें। हिमाचल के मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अन्हा में मूसलाधार बारिश के कारण नाले में बाढ़ आ गई, मलबे में कार और बाइकें दब गई। मलबे के कारण एक घर को भी नुकसान पहुंचा है। नाले के साथ लगते कुछ अन्य घरों पर भी खतरा मंडराया है और लोग खुद ही मलबा हटाने में जुटे हैं। इस साल 3,000 करोड़ तक सिमट जाएगा सेब कारोबार, इस बार सूखे की मार का पैदावार पर असर। हिमाचल में सेब का कारोबार इस बार 3,000 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट जाएगा। सर्दियों में कम बारिश और गर्मियों में सूखे जैसी स्थिति से सेब उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। बागवानी विभाग का सीजन में 2.91 करोड़ यूनिवर्सल कार्टन उत्पादन का अनुमान है। अगर इसे टेलीस्कोपिक कार्टन के पैमाने से मापा जाए तो वास्तव में 2.33 करोड़ पेटियां ही मार्केट पहुंचेंगे। हालांकि इस बार का उत्पादन पिछले सीजन से ज्यादा है। पिछले साल 1.78 करोड़ टेलीस्कोपिक कार्टन का उत्पादन हुआ था, जो पिछले 5 साल में सबसे कम था। हिमाचल में लगातार 2 सीजन में सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ सालाना कारोबार वाली नहीं रह गई है। बागवानी विभाग का पूर्वानुमान है कि सेब सीजन के भी कमजोर होने की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि ये प्रारंभिक अनुमान है, मौसम ने बरसात में साथ ना दिया तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछली बरसात में आपदा आने से सेब की फसल भी प्रभावित हुई थी और इसी वजह से उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज हुई थी। इस बार भी मौसम के प्रतिकूल रहने से सेब बागवानी पर संकट आया है। कई क्षेत्रों में सेब की फसल नाम मात्र की है।